हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो में, खैर आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही गया हो कि आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो गाइस, आज हम लोग ये हैजार्ड प्लेसर है जो हम लोग आज इसमें यूज़ हम मेरी बाइक में लगाने जा रहे हैं। तो कैसे लगाना है और लगने के बाद कैसा लगता है और रात में कैसा सीन आता है, सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहे और कैसे इंस्टॉल करना है हम लोग आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको उसके लिए चाहिए एक फ्लैशर, एक स्विच और कुछ वायर और एक डबल साइड टेप जो कि फ्लैशर में आप लगा पाओ और उसको कहीं भी सेट कर सको, और एक ठो ये नॉर्मल। गाइस देख सकते हो, कनेक्शन करने के लिए हम लोगों ने ये वाला खोल लिया है सॉकेट। उसके बाद ये ऐसा तार करके इसके अंदर डालना है, अंदर से बेंड कर देना है, और नहीं तो आप कट करके भी कर सकते हो, बट मैंने वैसे नहीं किया है। तो लाइट है क्या चीज़? ये इंडिकेटर का लाइट है, एक इधर लेफ्ट एक राइट। इंडिकेटर का लाइट जो रहता है प्लस माइनस, तो आप प्लस जो है प्लस में एक येलो वाला दो वायर, तो एक येलो वाला यहाँ लगा सकते हो क्या? तो येलो वाला तो छोटा वायर रहता है, तो मैंने इसे बड़ा किया, देख सकते हैं। तो यहाँ का जो है कनेक्शन यहाँ पर हल्का आपको दिखा के कैसे करना है, बहुत ईजी सेट हो जाएगा। फ्लैशर कहीं भी आप सेट कर सकते हो। तो अभी पहले स्विच यहाँ पर लगा दिया आपने तो देखे ही है। यहाँ पर लगाने के बाद अब कनेक्शन करना है, तो एक जो रहता है प्लस का, माइनस तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट बैटरी से कर लेंगे। जब बैटरी का कहीं से भी जो वायर जाता है माइनस या फिर यहाँ पर भी कहीं जोड़ देंगे, अर्थिंग सब में आता है, इसमें भी हम लोग नेट में जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, माइनस की लेंथ कोई नहीं। और जो प्लस है इसका वायर एक लेके अंदर से जाना है, और जो चाबी का जो सॉकेट रहता है उसमें ग्रीन कलर का वायर रहता है, अगर आप चाबी से करना चाहते हो तो ग्रीन लगाना, और नहीं तो रेड में लगा सकते हो, तो कंटिन्यू लाइट रहेगा। अगर चाबी ऑफ भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, तो इसीलिए हम ग्रीन में लगाएंगे। तो इसका कंप्लीट करने के बाद आपको जब वायरिंग आगे करेंगे तो दिखाते, पीछे का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। भाई सबसे पहले इसमें टेप लगा दें, टेप लगाने के बाद हम लोगों ने इसे यहाँ इंस्टॉल करना है, इसके नीचे पहले टेप लगाते हैं। तो चारों तार लग चुका है, टेप लग गया, चारों नहीं लगा गया, अभी तीन लगा है। अच्छा, तीन लगा। तो टेप लग गया, इधर पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आगे का दिखाते हैं। देख सकते गाइस, एक तार जो येलो वाला दो है इंडिकेटर में है, और एक ये है, ये माइनस है, देख सकते हैं ब्लैक, ये जाएगा यहाँ बैटरी का माइनस में, और ये वाला जो ग्रीन वाला है ये है प्लस। तो प्लस वाला जो जाएगा यहाँ स्विच में, और स्विच से जाएगा यहाँ पर, और इसका हम लोग क्या करें, प्लस वाला का जो स्विच से कनेक्शन, देखिए ये हो गया हम लोग का ये बैक लाइट। तो बैक लाइट का तीन वायर होता है, एक रेड वाला जो रहता है वो प्लस रहता है, बीच वाला जो ब्रेक मारने पे ज़्यादा जलता है, और ये माइनस।
तो ये लाइक हम लोग जो वायर है ये हम लोग प्लस में डाल देंगे यहाँ पर, ब्रेक वायर है इसमें जो रेड वाला वायर है उसमें हम ये ग्रीन वाला वायर को डाल दिया है, ये प्लस का वायर है, और यहाँ से वायर जाएगा ये ला स्विच का जो एक तार है एक जाएगा इस पे, और यहाँ से जो वायर निकल के आएगा वो जाएगा रिले ला, तो यहाँ से स्विच भी आप अगर ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से फिर काम करने लगते हैं। ये कनेक्शन जो है बस अंदर से करना है, तो ये ला कनेक्शन करने के बाद आपको पूरा फाइनल करके मिलते हैं, और इसके बाद जो रात होगा तो रात का जो लुक रहेगा फाइनल लुक वो आपको दिखाएंगे। एक दो तीन, तीन वायर दो जो है इंडिकेटर का है, एक इसमें लगा हुआ है और एक इसमें लगा हुआ है दोनों में, और एक जो है ब्लैक वाला वो लगा दिए यहाँ से, आप देख सकते तार है, ये है बैटरी का माइनस, और जो थर्ड वाला जो है रेड वाला प्लस ये यहाँ से गया हुआ है, और यहाँ से देख सकते हैं ग्रीन तो यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ स्विच से एक स्विच में है और दूसरा वाला जो वायर है मतलब वहाँ से डबल वायर ला के स्विच में कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ से एक और इसमें लगा हुआ, और वो वाला जो वायर है वो ये जो बैटरी का जो पीछे वाला ये जो लाइट रहता है इसका जो लाइट रहता है इसका जो लाइट में तीन रहता है, एक रेड ब्लू और ब्लैक, तो रेड वाला मैं कनेक्ट कर दूँ, पूरा कंप्लीट हो गया और स्विच से काम भी कर रहा है, तो अभी का जो लुक तो आपको दिखा देंगे, और रात में कैसा व्यू आता है वो भी आप देख लीजिएगा, ऐसा लगता है उसके होने के बाद पूरा कंप्लीट हो चुका है।